सभी को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कुछ लोगों ने मैसेज पे वो हमें कॉल करके ये पूछा था कि पंडित जी, क्या श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं खरीदा जा सकता? तो आज इसके बारे की मैं जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को इतना फैला दिए हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये कहना गलत होगा कि पितृपक्ष में नई चीज़ें खरीदने से पूर्वज नाराज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूर्वज तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, सिर्फ आपको कर्म अच्छे करने हैं। कई बार हर धर्म में कोई ना कोई ज्ञानी या ऐसा कोई तर्कहीन पैदा हो जाता है जो इतना बात को बढ़ा देता है, इतना तर्क वितर्क करता है कि बिना सोचे समझे इसे धार्मिक नियम बना देता है। ऐसे ही ये धार्मिक नियम बनता चला गया कि पितृपक्ष में कुछ खरीदना नहीं चाहिए। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष तो एक श्रद्धा का पक्ष है जिसमें पितृ देवता अपने बच्चों से मिलने आते हैं और वे अपने परिवार की उन्नति व विकास को देखकर प्रसन्न होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पूर्वजों की स्मृति में आप एक अच्छे कर्म करते रहें, निर्धनों की सेवा करें, गरीबों को अन्नदान करें, धन दान करें, अपने स्वेच्छा अनुसार, अपनी औकात के अनुसार आप धार्मिक कार्य, सामाजिक काम आप करते रहें। पेड़ लगाएं, भोजन कराएं, भंडारे कराएं। आप यदि गरीबों में दवाई का वितरण करते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना गया है। पितृपक्ष के समय आपराधिक कार्य, अमानवीय कार्य, गलत कृत्यों से बचना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों की तरह ही ये पखवाड़ा भी अनुशासन का पर्व माना गया है। यदि आप जेवर, विवाह या कोई ग्रह उपयोगी वस्तु आप खरीद रहे हैं या फिर आप कोई नए वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो इन शुभ मुहूर्तों में आप खरीद सकते हैं। 13 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, यानी कि 10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हुई है और आखिरी दिन है जिस दिन है सर्व पितृ अमावस्या 25 को है। इसके बीच में 13, 17, 24, 25 को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इन तारीखों में सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है या बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। 17 सितंबर 2022 को सिद्ध योग है, 13 सितंबर को वृद्धि योग है और 16 सितंबर को रवि योग है। तो मित्रों, इन तारीखों में तो आप बिल्कुल अच्छे से खरीदारी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी यदि आपको पसंद आई हुई हो तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।